आर्यन को पता है इसके बारे में? अगर पता होता तो अब तक मुझे फोन कर चुका होता। शायद सो रहा होगा, रात में मिला था, कुछ डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। स्टॉप, वो क्यों? पता नहीं यार, सोफिया खुल के बात नहीं करता। वो समझ नहीं आ रही उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कह रहा था तंग आ गया हूँ, ये शोबिज़ की ज़िंदगी छोड़ना चाह रहा हूँ। छोड़ना चाह रहा हूं, क्या मतलब है? क्या ब्रेक ले रहा है? हमेशा के लिए छोड़ना चाह रहा है। क्या मतलब है? पागल हो गया क्या? इस तरीके से इंडस्ट्री कौन छोड़ता है इस मुकाम पर आकर? मतलब अगर ब्रेक लेना चाहता है तो उसको बोलो जाके बाहर मुल्क जाके घूम आए, मे बी दैट रिलैक्स हिम, इट विल क्लियर हिज माइंड। फिर मैंने सब कह के देख लिया, उससे सारी बातें कर ली हैं, और इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, वो सबको इनकार कर रहा है यार। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में सोफिया, अगर कोई होती तो सबसे पहले वो मुझे बताता। अभी तक नहीं है तो आ जानी चाहिए, ट्रस्ट मी। आर्यन खान की जिंदगी में जब लड़की आएगी ना तो आर्यन खान बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ शायद सही कह रही हो, अल्लाह करे ऐसे ही हो। हाँ लेट्स सी, क्योंकि शायद ढूंढनी पड़ेगी कोई लड़की। है वैसे कोई इन माइंड? नहीं अभी तक तो कोई नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में? तुम मेरी छोड़ो, पहले उसे देख लो जो यहां से भाग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने बजे तुम्हारा इवेंट? पता नहीं यार, मेरे ख्याल 3-4 बजे होगा। क्या पहन रहा हूँ मैं? एक बहुत जबरदस्त जैकेट बनाया तुम्हारे लिए, आई एम श्योर यू लव इट। सैरी जरा आर्यन साहब का जैकेट दिखाना। शो मी। ये एंड वेयर इट विथ लाइक अ वाइट फॉर्मल शर्ट एंड ब्लैक फॉर्मल पैंट्स। ठीक है, ट्राई तो कर लो। अरे यार पता है ना तुम्हें मेजरमेंट्स मेरी, ट्रैवल क्या करना है, गाड़ी में रखवा दे। साइन बता रहे कि तुम्हारा यही एटीट्यूड है काम पे भी, ऐसे कैसे चलेगा आर्यन? ऐसे ही चलेगा जैसे अब तक चल रहा है, प्लीज डोंट वरी। कम ऑन आर्यन, आई एम वरीड अबाउट यू, तुम्हें फोकस करना है। तुम्हारे काम से जुड़े बहुत लोगों की रोजी रोटी लगी है, कांट गो ऑन। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। सोफिया, जो इतनी बड़ी डिजाइनर बनी हुई हो ना, तो ये दुनिया के लिए हो, ठीक है? मेरे लिए तो मेरी बेस्ट बड़ी और खालाजाद बहन हो, उससे बेहतर मुझे कौन जानेगा यार। तुम्हें पता है ना, एक बार मेरा किसी चीज से दिल उठ जाता है तो फिर हमेशा के लिए उठ जाता है। शोबिज़ से, इस फेक दुनिया से मैं तंग आ गया यार, इतना वक्त गुजार लिया, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनीमोर, बस बहुत हो गया। देखो आर्यन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज सर अब 2 बार सोच लेना। 2 बार नहीं, 1000 बार सोच लिया, ठीक है? चलो अब इसके बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक आ जाना चाहिए था आर्यन खान को। शेर बाबू, ये जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, ये कभी वक्त पर नहीं आते। सुनो, आर्यन खान हमेशा अपने वक्त पर आता है। मुझे लगता है वो आ गया। चले चल के देखते हैं। चलो चलो चल के देखते हैं। चलो Thank you.
इतना हैंडसम लग रहा है ना, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। आप लोग जाओ, बेहतर सीन बना लो। नहीं ना, चलो ना, फिंगर चलते हैं। प्लीज तुम लोग जाओ, जानते हैं ना सर, पिक्चर ले जाओ ना। मैं कह रही हूँ यहाँ से बाहर जाओ, मैं तो जा रही हूँ। चलो ये सामने जो लड़की खड़ी है ये वही है, इसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।